तो जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर टू एवरीवन। माय नेम इज शिवम सारस्वत एंड टुडे वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट विद अस। विद मी पर्टिकुलरली टुडे वी हैव नन अदर देन लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता मैम। एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर मैम के बारे में, आपने देखा होगा। पीपल हु फॉलो मी ऑन लिंक्डइन दे नो। एंड जो बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप सर्च जरूर करना, मैम का नाम गूगल सर्च करना, एंड यू विल गेट टू नो कि देर वॉज अ मिशन ऑफ इंडियन नेवी कॉल्ड INS तारिणी, सरकम नेविगेशन से रिलेटेड। सो मैम वॉज देयर इन दैट टीम, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पर उसके पहले हम मैम की लाइफ जर्नी जानेंगे सबसे पहले, कि उनका बचपन कैसा बीता, वो ऑफिसर कैसे बनी। तारिणी तो बाद में हुआ, पर उसके पहले तो वो हु इज पायल गुप्ता, उनके बारे में हम मेनली जानेंगे। और मैम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैं भी इंजीनियरिंग वाला हूँ, तो हम उस चीज पे भी बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, बिकॉज लॉट मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो मी। सो मैम वेलकम टू द शो, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। Thank you, Shivam. I think I am honored to be here because this is the one thing which I enjoy the most, talking to people and sharing my journey. And I am so looking forward to talking to you and share my experiences with all the students who will be receiving this and watching me. So उनके साथ अपनी चीजें शेयर करने में मजा आएगा. Yeah, let's start. यस मैम, सबसे पहला सवाल, सबसे इंट्रिगिंग सवाल, मेनली मैं जो मेरे सीनियर्स आते हैं फौज के, यहाँ पे यंगस्टर्स हमें बहुत ज्यादा देखते हैं मैम, पीपल हु आर फ्रॉम 16 ईयर्स टू 26, 20 और 30 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं। और आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले व्हेन वी वर टॉकिंग, आपने बोला कि ये वाला सवाल तो पूछना ही पूछना है, कि आप स्टूडेंट कैसे थे, हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, कैसे बच्चे थे आप, शरारती बच्चे थे, पढ़ने में अच्छे थे या पढ़ने में एवरेज थे या पढ़ते नहीं थे, हाउ व्हाट काइंड ऑफ किड यू वर, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर। So my parents were not really educated. They left school very early because of so many other things like financial problem, big families and all. So childhood was a bit difficult, I would say, because financial crisis was always there in the family because of 50 people and there were few people who were earning. So although I went to a good school, it was an English medium school, but it was very difficult for me to study during my childhood because there was no guidance. And the school used to push you really hard. So as a child, I would say I was an average student, not very good. And कभी कभी हाफ इयरलीस में फेल भी होती थी. And बट फाइनल्स में किसी तरह से पास हो जाती थी. लाइक आई वाज अ 70%. एंड आल्सो आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. आई वुड से टिल माय 12th स्टैंडर्ड आई हैव नेवर स्पोकन टू एनी बॉय, स्पेशली बॉयज. मेरा था कि लड़कों से बात करना गुनाह है. दैट इज द माइंड आई वाज ब्रॉट अप विद. एंड माय पेरेंट्स, लाइक माय मदर वाज काइंड ऑफ चिलर पर्सन इन द फैमिली, बट माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. सो ही वुड नेवर अलाउ मी टू वेयर जीन्स एंड देयर विल बी वेरी रिस्ट्रिक्शंस एंड आई वुड वेयर सूट टू व्हेन आई एम गोइंग टू ट्यूशंस. सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्डहुड. ऑल्दो इट वाज एवरीथिंग वाज अवेलेबल एट अ पेस बिकॉज माय फादर वाज वेरी हार्ड वर्किंग. ही मेड श्योर ही गेव अस एवरीथिंग. सो वैसे वो अच्छा था, बट आई ऑलवेज मिस दैट फैक्ट दैट आई वॉज नॉट वेरी आउटस्पोकन. आई वॉज नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. आई वॉज नॉट वेरी स्पोर्टी पर्सन. तो मुझे वो लगा कि वो पार्ट मैंने अपने चाइल्डहुड में शायद कहीं मिस कर दिया, इसीलिए मैंने खुद को फिर कॉलेज में चेंज करूँ. एंड या इट वॉज अ आई वुड से 180 डिग्री टर्न. एंड वेन आई वेंट टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट डे, and I realized that how different I am from other students of my age. And I see the class, and then I thought ki, okay, मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट स्टैंड एनीवेयर इन माई लाइफ. एंड मेरा एक ही गोल था लाइफ में, दैट मुझे पढ़ना है और मुझे एक जॉब चाहिए सो दैट आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो या दैट वॉज द चाइल्डहुड. और फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी बिकॉज एवरीथिंग डजंट हैपन इन अ डे. It almost took me 4 years of BTech to change myself.
स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर जर्नी, जहाँ पर आप कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में दोज डेज इट इज लाइक यूनिफॉर्म, सो यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड योर पेरेंट्स डोंट से एनीथिंग बिकॉज यू हैव टू वेयर अ ट्राउजर एंड शर्ट एंड गो टू कॉलेज. सो दैट वाज अ बिग चेंज फॉर माय फादर इटसेल्फ. देन ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए भी काफी फाइट करनी पड़ी. आई टुक एजुकेशन लोन बिकॉज ही डिडंट वांटेड मी टू गो देयर एंड ही डिड नॉट हैव मच मनी. सो आई टुक एजुकेशन लोन, डिड माई स्टडीज. ऑब्वियसली जब आप कॉलेज जाते हो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज गेटिंग आउट ऑफ योर हाउस बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्टेड इन दैट 10 किलोमीटर एरिया ऑफ माई हाउस सिंस माई चाइल्डहुड टू 12th क्लास. आई हैव नेवर वेंचर्ड आउटसाइड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू कॉलेज तो 15 किलो, 15 नहीं आई वुड से 20 किलोमीटर मेरा कॉलेज दूर था. तो आई वॉज सो हैप्पी एवरी मॉर्निंग व्हेन आई एम गोइंग टू कॉलेज कि मैं बाहर जा रही हूँ. आई एम गोइंग आउट ऑफ हाउस, आई एम गोइंग समवेयर फार. सो दैट वॉज द फर्स्ट एक्साइटमेंट एवरी डे इन माई माइंड. एंड ऑब्वियसली कॉलेज बंक करना सीखा कि हाँ ऐसे कॉलेज बंक भी कर सकते बिकॉज स्कूल में तो कभी बंक करा नहीं. सो दैट वॉज दी फर्स्ट इंस्टेंस की जब मेरा वो मुझे वो अपना वो साइड भी पता चला. एंड एवरी टाइम आई यूज टू गो टू कॉलेज आई यूज टू क्रॉस IMA. सो इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज ऑन द वे. सो दैट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैंने पहली बार IMA, ऑब्वियसली पहले भी देखा है बट तब मैंने IMA को हाइट से देखा बिकॉज ऑलवेज पहले ट्रिप पे जा रहे हैं या नॉर्मल रिक्शा में जा रहे हैं सो यू डोंट सी इनसाइड द वॉल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग इन बस आई कुड सी IMA एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. सो देन आई रियलाइज अरे यार ये यूनिफॉर्म तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड व्हाई आर देयर ओनली बॉयज, यहाँ पे लड़कियां क्यों नहीं है, ये क्या है. तो मुझे तब तक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक मुझे डिफेंस के बारे में जीरो नॉलेज थी, जीरो से भी नेगेटिव कह लो. बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड नो वन इन फोर्सेस, नो वन अराउंड इन द एरिया ऑल्सो लोकैलिटी, देर वॉज नो वन हु कुड गाइड अस इन अ वे. सो द ओनली थिंग विच आई सॉ पीपल डूइंग इज इधर बिकमिंग अ डॉक्टर और एन इंजीनियर वो 90s में बिकॉज देर वॉज लिमिटेड इंटरनेट हार्डली एंड वी डिड नॉट हैव कंप्यूटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट हाउस. तो ऐसा कुछ इतना नॉलेज भी नहीं था कि हाँ दूसरे फील्ड्स एक्सप्लोर कर सके. देन आई गॉट टू नो ओ दिस इज द हब ऑफ एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस, देहरादून इज द हब. सो उस टाइम पे जब थोड़ा सा IMA को देखा, उसके बारे में पता करना शुरू करा कि मैं मतलब मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स बैठते थे एंड सम ऑफ देम वर अपियरिंग फॉर NDA स्पेशली बॉयज, क्योंकि गर्ल्स के लिए तब था नहीं. तो आई यूज्ड टू आस्क देम कि तो छुट्टी लेके कहाँ जाता है कॉलेज से. देन आई गॉट टू नो कि SSB भी कुछ होता है एंड फ्रॉम देयर आई अप्लाइड फॉर माई NCC नेशनल कैडेट कॉर इन सेकेंड ईयर. और सेकेंड ईयर में वो अप्लाई करने के बाद मेरा वो जर्नी शुरू हुआ टूवर्ड्स डिफेंस फोर्सेस. तो मैम आपने करी है इंजीनियरिंग, थोड़ा सा उस साइड पे जाना राइट. चाहता हूँ। मतलब एक वो लड़की जो कि घर से 10-12 किलोमीटर की रेडियस में ही घूमती रहती थी, वो कैसे मतलब सरकम नेविगेशन में चली गई, दुनिया घूम ली, रिकॉर्ड बना दिया, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल गया आपको। जो बच्चे यहाँ पे हमें देख रहे हैं, मैम को नौसेना मेडल भी मिला हुआ है बाय द वे, मैं बता दूँ, बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग अचीवमेंट दैट सी इज हैविंग राइट नाउ। उसके बारे में हम अपने अलग दूसरे पार्ट में बात करेंगे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे कि यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून, राइट? और देहरादून को बोला जाता है कोचिंग अकेडमीज का गढ़, और देहरादून में हमारी IMA भी है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। NDA से जो आर्मी के कैडेट्स होते थे गो टू IMA देहरादून, एंड देन TGC वाले लोग जाते हैं, एंड देन डायरेक्ट एंट्री पीपल ऑल्सो गो देयर। तो उससे आपके दिमाग में एक स्पार्क जगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तो सर इज ऑल्सो एन आर्मी, तो आपकी लाइफ में मतलब आर्मी का भी रोल है। तो इंजीनियरिंग में आपका मतलब कैसा टाइम कटा, आपने कौन सी ब्रांच से बीटेक किया फिर? तो मेरे पास सिर्फ इतना गाइडेंस नहीं था और मुझे ये पता था कि गर्ल्स के लिए सिर्फ IT और CS ही अच्छी होती है ऐसा. मतलब मैंने अपने एक मेरे एक कजन थे जो मुझसे बड़े थे एंड सिंस माय ब्रदर वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो ही वाज बेसिकली अ गाइडिंग लाइट. तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करा था. सो आई थॉट
भैया की कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके जॉब लग गया है, सो आई कैन ऑल्सो डू दैट. सो आई फॉलोड दैट फुटस्टेप काइंड ऑफ थिंग. और ये था कि बाकी सारे जो इतने भी क्लासमेट्स थे उस टाइम पे, दे वर ऑल्सो डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द सेम सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांचेस. सो मैकेनिकल में सिर्फ दो लड़कियां थी, और आईटी में ज्यादा होती है, सीएस में ज्यादा होती है. तो आई थिंक कि ये लड़कियों के लिए सही है, ये कर लेते हैं. तो सीएस में एडमिशन ले लिया, एंड माई रैंकिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बहुत पढ़ाई नहीं करी थी AIEEE के लिए उस टाइम पे, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है. बिकॉज क्लैरिटी नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग में पार्ट, मतलब एडमिशन ले भी पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज तब तक लोन का और वो सब भी चल रहा था, एंड आई वॉज वेरी नॉविस. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा लोन भी मिल सकते हैं, वो भी मुझे किसी से पता चला तो मैंने पापा को बताया, एंड ऐसे ऐसे करके हुआ. सो मेरी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं थी, एंड माई कॉलेज वॉज ऑल्सो वेरी नोन नहीं था, बहुत नया कॉलेज था, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आता है. सो आई टुक एडमिशन इन दैट, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस वॉज अ नाइस ब्रांच, मैंने इंजॉय करा. सो आई वॉज अ सेकेंड टॉपर इन माई फर्स्ट ईयर, क्योंकि मेरे माइंड में वो क्लियर था कि अगर मैंने एडमिशन ले लिया है अब कॉलेज में, ऑल्दो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट एवरेज स्टूडेंट भी मतलब एक टॉपर उसमें आ सकता है, ऐसा मतलब मैं बताना चाहती हूँ. बिकॉज इफ यू हैव दैट ड्रीम कि हाँ आपको कुछ अचीव करना है, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो दिस लोन आई विल पे बैक, मेरे पापा नहीं करेंगे, एंड आई हैव टू गेट अ गुड जॉब, उसके लिए मुझे अच्छा मार्क्स लाने. सो आई बिकेम वेरी स्टूडियस पर्सन इन फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में आते आते सब भूत उतर गया पढ़ाई का, एंड देन बैक टू ये कॉलेज मस्ती, कॉलेज लाइफ बंक करना है, एंड क्लास में किसी को पढ़ने नहीं देना, एंड काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. देन आई टुक पार्ट इन एनसीसी. तो एनसीसी में पार्ट लेने के लिए देर वॉज ओनली दी गर्ल्स एनसीसी, तो इट वॉज नॉट फॉर बॉयज. सो फर्स्ट टाइम कॉलेज में वो एनसीसी शुरू हो रहा था, तो उसके लिए भी स्ट्रगल था, बिकॉज दे वॉन्टेड कि कोई वॉलेंटियर आए, कोई वॉलेंटियर आ नहीं रहते, बिकॉज किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है. सो वॉट आर एडमिनिस्ट्रेशन डिड इज, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें फ्री का यूनिफॉर्म मिलेगा, बस तुम लोगों को सुबह आके कुछ कुछ चीजें करनी है, ड्रिल वगैरह और फिजिकल एक्टिविटी, एंड तुम लोगों को कैंपिंग भी भेजेंगे और वहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट होता है, एंड ऐसे ऐसे करके. तो मैंने मैंने पूछा कोई फीस है इसका, तो उन्होंने कहा नहीं है. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे करके कुछ फीस नहीं है और मुझे इसमें पार्ट लेना है, बिकॉज मेरे साथ की बाकी लड़कियां भी ले रही है, ऑल्दो मेरे क्लास की नहीं ले रहे थे, आईटी सेक्शन से दे वर लाइक 10-15 गर्ल्स, बट कंप्यूटर साइंस से ओनली आई वॉज द वॉलंटियर. सो मैंने कहा मुझे करना है, ये कुछ डिफरेंट है, मुझे ट्राई करना है. तो माई मॉम मॉम वॉज लाइक हाँ कर ले, तुझे सुबह जल्दी उठ के जाना है, एंड यू विल बी लाइक गोइंग टू कॉलेज एट गेटिंग अप एट 5 एंड गोइंग टू कॉलेज एट 6, सो इट इज योर विल. सो आई टोल्ड देम हाँ मुझे करना है, एंड जब इसमें पार्टिसिपेट करा तो मुझे लगा यार अकेले तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्लास में, जब मैं वापस आऊंगी एंड एवरीवन विल बी बूइंग मी, सो लेट मी टेक वन मोर चांस. सो आई आस्क्ड माय बेस्ट फ्रेंड निशा वाज देयर, निशा रावत, कि तू भी मेरे साथ चल. सो वी बोथ पार्टिसिपेटेड इन एनसीसी. सो जब वो स्टार्ट हुआ, मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया, बट यू नो देहरादून इज लाइक वेरी हार्श विंटर्स, वेरी हार्श वेदर, मतलब विंटर्स का. तो गेटिंग अप एट 5 एंड गोइंग देयर इन बस, लोकल बस, फिर कैच करना एंड मतलब किसी तरह से कॉलेज पहुंचना है, ड्रिल करना, वो भी सुबह की ठंडी में, एंड व्हेन यू आर मेंटली नॉट रेडी फॉर इट. बट फॉर 2 years वी डिड दिस, एंड इट वॉज द बेस्ट टाइम लाइक ऑफ कॉलेज लाइफ, बिकॉज कॉलेज से पहले ये सब करने को मिलता था. देन हम लोग जब क्लास में 9 बजे वापस आते थे, 6 से 7 to 9 ये करने के बाद, एवरी टीचर यूज टू बी पिस्ड ऑफ जिसका फर्स्ट लेक्चर होता था, बिकॉज वी यूज टू बी लेट फॉर क्लास हाफ एन आवर एटलीस्ट, एंड दे यूज टू ब्लेम अस कि तुम लोग यही करो, तुम इंजीनियरिंग मत करो. सो देर वॉज लाइक ऑलवेज स्ट्रगल कि आपको सब कुछ मैनेज करना है कॉलेज में भी ना, पढ़ाई भी मैनेज करनी है, अटेंडेंस भी मैनेज करना है, एंड या इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट मैनेजिंग सिचुएशन, बट देन वी यूज टू स्पीक टू आर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेल देम ओके दिस इज द फेस प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, एंड बाकी फिर चीजें और अच्छी हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में एनसीसी लिया, उसके बाद मैंने
पार्टिसिपेट करा एक प्रेजेंटेशन में एंड आई वाज रियली स्केयर्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस टू गो देयर स्टैंड गिव द प्रेजेंटेशन. फॉर द फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में रिपब्लिक डे परेड हुआ आई वॉलंटियर कि मैं परेड को लीड करूंगी एंड आई गेव द कमांड. वो कॉलेज में फर्स्ट टाइम हुआ सो दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक वो एक आपको एज अ पर्सन चेंज करता है. So that played a big role during my engineering time. अमेजिंग मैम, अमेजिंग जर्नी इंडीड। तो मतलब एक इंट्रोवर्ट साइड से एनसीसी कैडेट बनना, और ये जो है एक तरीके से मतलब डेस्टिनी थी जो आपको लेके जा रही थी उस डायरेक्शन में ना। आई वुड से दैट यस. और मतलब इजी जर्नी नहीं होती है कुछ भी डिफरेंट करना ना. मतलब पढ़ाई के साथ मैनेज करना इजी नहीं होता है. बट इट इज जस्ट दैट कि अगर उस टाइम पे आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो इट गिव्स यू बैक सम टाइम लेटर ऑन. Yes. हाँ तो जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं ना, मैं उनको यही बोलूंगा कि लाइफ में आप गोल्स बनाओ, है ना, ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योर लाइफ, बट अगर आप मेहनती हो तो आपको चीजें मिलेंगी जरूर। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा अलोंग द वे। यू हैव टू राइट. बी हार्ड वर्किंग फेलो, हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू नीड टू गेट द राइट रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, तभी होगा। और पायल मैम की राइट कहानी से आप लोगों को काफी सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा आप इसको शुरू से लेके आखिरी तक देखो, और प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना कि किस पार्ट ने आपको ज्यादा इंस्पायर किया। और मैम, जैसे आपने बोला कि एनसीसी आपने ज्वाइन करी, और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि जैसे मैं मैकेनिकल वाला हूँ, सीएसआईटी जब आप उस टाइम पे तो बड़ा पीक पे चल रहा होता था मैकेनिकल में, तो हमारी तो हालत ही खराब होती थी। हम सीएस वालों के पास हम देखते थे यार इनकी लाइफ बड़ी चिल है, सब्जेक्ट बड़े इजी इजी है, हमें फिजिक्स मैथ ही पढ़ाते रहते हैं 4 साल, इनका तो भाई बड़ा सही, से भी इनको बढ़िया मिलते हैं, हमें वो मजदूरों वाले हथौड़ा छेनी लेथ मशीन चलाने का काम करना है। तो आगे जाके मतलब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको नेवी वाला मतलब कैसे चमका कि यार नेवी में चलते हैं, मतलब आप एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर है ना, तो वो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई कि यू डिसाइडेड कि फाइनल ईयर में जाके मैं नेवी ज्वाइन करूंगी, कि कैसे वो आया आइडिया आपके दिमाग में? क्योंकि नहीं, नेवी तो कभी पिक्चर में था ही नहीं. हाँ आर्मी के बेस पे हाँ देहरादून, तो आर्मी आई एम ए, नेवी कैसे? राइट राइट. तो वही इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी आप कहते हैं ना. तो जैसे आप एनसीसी ज्वाइन करते हो आपको पता है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक एसएसबी का मौका मिल जाएगा. सो उतना तो मुझे ट्रस्ट था कि जैसे ये होगा आई विल हैव वन एसएसबी टू अपीयर फॉर. बट देन आई न्यू कि मुझे रिटन एग्जाम्स भी देने हैं, प्रिपरेशन करनी है एंड बीटेक के साथ साथ ही करना है सब कुछ. सो दैट वाज अ फेज वेयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम्स. और मेरे लिए आई थिंक सारे फोर्सेस इक्वल थे. मैंने ऐसे कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करा कि मुझे इसी में ही जाना है. बट आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन आर्मी आई वुड से दैट बिकॉज हमें नेवी और एयरफोर्स का उतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे. बिकॉज एनसीसी में आप आर्मी ड्रिल्स कर रहे हो, आर्मी की तरतीब सीख रहे हो एंड यू आर सीइंग आर्मी ऑफिसर्स. तो आपको ऐसा लगता है कि ओके एंड ऑब्वियसली आई एम ए देखने के बाद, ऑलिव ग्रीन देखने के बाद आपको फर्स्ट थॉट यही आता है कि आर्मी ज्वाइन करना बेस्ट है. बट देन सिंस नेवी उतना प्रेवलेंट नहीं है नॉर्थ में, ऑल्दो नेवी का ऑफिस है, एनएचओ इज देयर इन देहरादून, बट आई नेवर सॉ दैट बिफोर ज्वाइनिंग नेवी. मुझे पता भी नहीं था कि एनएचओ नाम की कोई चीज है देहरादून में. सो एंड एयरफोर्स भी क्लेमेंट टाउन में है विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम माई प्लेस. सो दोनों का इतना आइडिया नहीं था. बट मुझे पता था कि नेवी में एंट्री के लिए कोई एग्जाम नहीं है. यू हैव टू गेट अ गुड परसेंटेज इन बीटेक, देन दे सिलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज फॉर द एसएसबी. और एयरफोर्स के लिए उस टाइम पे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट था. सो आई न्यू कि मुझे दो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है विच इज सीडीएस एंड एफकैट. एंड आई वाज आल्सो फोकसिंग देन लेटर ऑन मुझे कोस्ट गार्ड के बारे में भी पता चला. तो कोस्ट गार्ड का स्क्रीनिंग और ऑनलाइन एग्जाम होता था, फिर वो भी इन लाइन आ गया. बट एवरीथिंग हैज अ कॉमन क्राइटेरिया दैट इज जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो सब में रहेगा. सो आई वॉज मोर फोकसिंग ऑन सीरियस बट साथ साथ में बाकी एग्जाम्स की तैयारी करती थी. एंड आई हैव गिवन एग्जाम्स फॉर इवन फॉर दी बी एस एफ, फॉर सी आई एस एफ. सो मतलब इट वॉज
कोई भी फोर्सेस चलेगी, इट शुड बी ऑफिसर रैंक एंड फोर्सेस होने चाहिए। इट कुड बी आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे उतना फोकस नहीं था मेरा, बट सिंस आई वॉज स्टडिंग सो आई यूज टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन और फर्स्ट राउंड तक क्लियर हो भी जाता था, तो वैसा था। बट या CBS वॉज माई मेन गो एंड मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 बार CBS दिया एंड एवरी टाइम आई क्रैक इट। तो उसके लिए मेरे को स्ट्रैटेजी वगैरह बना लिया था अपना कि हाँ रिटन एग्जाम ऐसे देना है और वो करना है। एफ कैट यूज टू बी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, और एफ कैट मेरा सिर्फ एक ही बार क्लियर हुआ एंड आई कुड नॉट अटेंड SSB क्योंकि तब तक मैं नेवी में सेलेक्ट हो गई थी। सो या ये मेरा जर्नी था। आपने एग्जाम तो काफी सारे पास किए, तो ये मान सकते हैं कि आप SSB में, मतलब आप रिपीटर हो गए फिर तो। इन विच अटेम्प्ट यू टू क्रैक योर SSB? ओके सो SSB को क्रैक करने के लिए काफी टाइम लगा एक्चुअली। ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैं क्रैक कर पाई इन माय 6th अटेम्प्ट। और रिटन एग्जाम्स तो अनलिमिटेड दिए, आई थिंक 15-16 दिए होंगे इंक्लूडिंग एफ कैट CDS एवरी ईयर ट्वाइस। तो और इवन कोस्ट गार्ड के मैंने एग्जाम 3-4 बार दिए बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली बीटेक के बाद। सो ओके okay. आपने आई प्ले एम गिविंग माई एग्जाम्स फ्रॉम 3rd ईयर। ओके हाँ okay. जी तो आपने प्लेसमेंट भी लिया था? राइट। सो प्लेसमेंट की भी स्टोरी थोड़ी अटपटी सी है आई वुड से। तो मेरा प्लेसमेंट कॉलेज में स्टार्ट हुआ 4th ईयर में एंड 4th ईयर के एंड में एंड एट द सेम टाइम आई हैड SSB इन अलाहाबाद। सो फर्स्ट डे कंपनी आ रही है एंड मतलब जैसे 2 दिन का टाइम है बीच में एंड उसके बाद कंपनी कॉलेज में आ रही है प्लेसमेंट के लिए एंड 2 दिन पहले मेरा SSB है। सो आई ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू फोर्सेस। सो मैंने सोचा कि चलो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, पहले SSB दे देते हैं और अगर मैं सेलेक्ट हो गई कॉन्फ्रेंस आउट नहीं मतलब स्क्रीन आउट नहीं हुई तो कॉन्फ्रेंस तक का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। बिकॉज मैंने SSB प्रिपरेशन आई वुड से उतना कुछ ज्यादा करा नहीं था बिकॉज मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। देन एकदम लास्ट मोमेंट में 1 महीने पहले मुझे एक गाइडेंस मिला कर्नल राय के इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करा जस्ट फॉर 1 मंथ एंड 1 मंथ में मैं जितना भी प्रोसेस समझ पाई वो मैंने करा। बट आई थिंक वहां पर मुझे मतलब उतना क्लैरिटी नहीं मिला जितना मैं चाह रही थी। सो ऑल्सो आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग मच, जैसे होता ना ग्रुप डिस्कशंस करना एंड एक्सटेम्पोज करना एंड ग्रुप एंड GDs में आपको कैसे कट करना है, दूसरे से कैसे बात करना है, वो सब चीजें। सो आई गॉट स्क्रीन आउट इन माई फर्स्ट SSB एंड आई केम बैक एंड आई गॉट दिस जॉब। तो यहाँ पर एक वो फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि ठीक है एटलीस्ट जॉब मिल गया एंड आई ज्वाइन दिस कंपनी इन गुड़गांव एंड उसके साथ में SSB का तैयारी करना एंड पढ़ना वॉज रियली अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। लाइक आई यूज टू वर्क फॉर 12 आवर्स बिकॉज आप फ्रेशर होते हो तो आपसे कितना भी काम कराएंगे वो क्लियर रहता है। सो 12 आवर्स वो 8 to 8 जॉब करने के बाद आप इट वॉज रियली डिफिकल्ट 5 मंथ्स। देन आई थॉट दिस इज नॉट वर्थ, मैं अपना जो मेरा मेन फोकस है लाइफ का जो मैं बनना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। सो आई टुक अ डिसीजन दैट आई वॉन्ट टू लीव दिस जॉब एंड आई विल पिक अप अ जॉब जिसमें फिक्स आवर्स हो कि अभी 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के बाद यू आर फ्री। तो वो स्टोरी शुरू हुई एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग एल्स इन बिटवीन बिफोर आई स्टार्ट दिस। मैंने जो है ना कि मैं टोटली फील कर पा रहा हूँ जब आप बोल रहे हो ना कि मैंने जॉब करी और उसके साथ SSB, मैं वर्किंग था। आई स्टिल रिमेम्बर 2017 से लेके 2019 का जो मेरा फेस था ना, दैट वॉज वेरी हेक्टिक। एंड देन एक साल में मैं 4 SSB दे रहा हूँ लगभग, और 11 घंटे का हाँ ऑफिस टाइम है, आना जाना एक्स्ट्रा है। 9 घंटे तो एटलीस्ट है, वही 10 घंटे खींच देते हैं वो लोग, 9 के 10 कर देते हैं। एंड आना जाना, और फिर उसके बाद खाना बनाना, ट्रेवल टाइम, और भी चीजें चल रही दिमाग में। मतलब इट्स लाइक यू एग्री आर गोइंग थ्रू हेल एंड देन यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSB, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। वो एक अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड हो जाता है। एंड उस टाइम पे ना आप गिव अप भी कर देते हो वी आर चल एंड बीच में एक ऐसा फेज भी आया था वेयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मंथ्स आई गेव अप कि ठीक है यार, मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे करना है बट ऑन ग्राउंड में कर नहीं पा रही थी।
लाइक आप रिटर्न की एग्जाम तैयारी नहीं कर पाते हो। मेरा एक सीरियस एग्जाम छूट गया था एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड आफ्टर दैट कि मैंने सीबीएस एग्जाम कैसे छोड़ दिया। सो बिकॉज ऑफ माय जॉब एंड मतलब घर पे कुछ क्राइसिस था एंड देन आई हैव टू कम बैक टू देहरादून ऐसे ऐसे करके। सो दैट वाज रियली डिप्रेसिंग पार्ट बट दैट ऑल्सो गेव मी कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी अगर अभी नहीं करा फिर एज निकल जाएगी देन कभी नहीं कर पाऊंगी। तो वो उस टाइम पे वो हार्ड डिसीजन लेना पड़ा एंड आई लेफ्ट दैट जॉब। और विद इन अ वीक मुझे पता नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं एंड आई हैव टू स्टे इन गुड़गांव क्योंकि मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझे पता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इफ आई हैव टू स्टे बैक तो मैंने विद इन अ वीक एक जॉब लिया एंड बाय गॉड ग्रेस बेटर जॉब मिला एंड आई वॉज लाइक कि हाँ 8 आवर्स फिक्स आवर्स है। सो दैट जॉब वॉज रियली नाइस बिकॉज आपको 2 to 11 काम करना आफ्टरनून से रात तक। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दैट जॉब वॉज आई वॉज गेटिंग टाइम टू स्टडी एंड आई वॉज गेटिंग टाइम टू पुट इन दैट एफर्ट। आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ माई लाइफ वेयर आई बिकेम लाइक अ हॉर्स कि भाई मुझे बस सामने देखना है और करते जाना, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है। इट वॉज अ डेफिनेट पाथ फॉर मी एंड आई फील इस जर्नी में मेरी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी निशा शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी। मैंने उसी के साथ जॉब लिया था, फर्स्ट जॉब हम दोनों ने साथ में ज्वाइन करा देन आई चेंज शी स्टेड बैक इन दैट जॉब एंड वी यूज टू स्टे टूगेदर इन अ पीजी। एक रूम में 4 लड़कियां होती थी। सो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट होता है कि आप पढ़ रहे हो एंड देन समवन इज गेटिंग डिस्टर्ब। तो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी इज दैट यू शुड हैव अ सपोर्ट समवेयर वेयर यू कैन फाइंड सोलेस। तो शी वॉज देयर ऑलवेज फॉर मी। तो मुझे कभी भी ऐसा टेंशन नहीं होता था कि मॉर्निंग में उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है या मुझे खाना बनाना है या कुछ करना है। शी यूज टू डू एवरीथिंग फॉर मी कि तू पायल तू पढ़ कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले। सो ऐसे दोस्त यू शुड हैव अ फ्रेंड्स लाइक दिस हाँ जो आपकी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हो। सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड कैन यू इमेजिन मतलब रात को 11 बजे आके तो आई यूज टू गिव माई सेल्फ 1 आवर कि 1 घंटे में रेस्ट करके अपना फ्रेशन अप होके बिकॉज वी यूज टू हैव डिनर एट द सेम प्लेस की अपना कंपनी में खा के आ गए। कैब यूज टू ड्रॉप मी तो 12 बजे तक आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग। तो 12 से 5 बजे तक मैं पढ़ती थी रात को बिकॉज सब लोग सोते थे एंड नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब मी एंड बाहर लिविंग रूम में आई हैव माई ओन स्पेस। मैं कितना भी जोर से पढ़ूँ कुछ भी करूँ देन देयर वॉज लाइक पीस। सो 5 घंटे में से आई विल गिव लाइक 2 आवर्स टू न्यूज पेपर। हिंदू मैं हिंदू के पेपर को एकदम चाट जाती थी। आई यूज टू हैव नोट्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हिंदू बिकॉज आई नॉलेज इज पावर विच इज ट्रू एंड दैट इज वॉट हेल्प्स यू इन इंटरव्यूज एंड एक्सटेम्पोर्स। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है कि आपके कंट्री में आपके आसपास अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है सो यू वोंट बी एबल टू स्विच स्टैंड एंड फेस दैट चैलेंज इन एसएसबी। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन वो 2 घंटे न्यूज पेपर पढ़ने के बाद आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर डू 2 3 एक्सटेम्पोज। फिर कॉल करती थी अपने फ्रेंड्स को जैसे सुबह होने वाली होती थी या कुछ भी। तो आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आई कुछ से फ्रेंड्स और उस टाइम पे तो ऐसे नोन नहीं थे उतना बट वी यूज टू टॉक जो कि मैंने एसएसबी से ग्रुप से ढूंढा था फेसबुक से। तो फेसबुक से 3 4 लोगों का ऐसे ढूंढ के जो बहुत एक्टिव रहते थे। तो क्या होता है फेसबुक पे कोई पिक्चर डालता था एंड वी यूज टू राइट स्टोरीज। सो उसके ऊपर फटाफट से स्टोरी बना के वी यूज टू पोस्ट इट। तो फिर उनके साथ मैं ग्रुप डिस्कशन करती थी। सो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी में टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। तो वो लाइक माइंडेड पीपल होने से क्या होता है ना कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद देम। तो मेरे ऐसे दोस्त मिल गए मुझे फेसबुक के थ्रू एंड वी आर इन टच टिल नाउ। मतलब अभी भी मेरी उनसे बात होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट गॉट इनटू एसएसबी मतलब उनका क्लियर नहीं हुआ। एक मेरा फ्रेंड है उसके 22 अटेम्प्ट्स। सो और तो काफी लोग मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है। इट वाज आई वुड से 70% हार्डवर्क एंड 30% लक या यहाँ वो आप पे कह सकते हो। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैम ने बोला ना कि मैम को तो हाँ ग्रुप मिल गया था, मैम ने ग्रुप बनाया था, उस टाइम पे फेसबुक चलता था,
और मैम और मैं तो एग्जैक्टली ऑर्कुट वाले टाइम के लोग हैं ना, हमें ऑर्कुट और कुछ भी चलता था एग्जैक्टली चलाया और नहीं, कुछ से भी बनाया था यूज टू यूज ऑर्कुट ऑल्सो, अभी अभी के बच्चे नहीं जानते। तो मैम इन लोगों की लाइफ को ना इजी कर, हाँ व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, लेट मी शो यू दिस SSB, एज यू कैन सी ना SSB वाह लाइफ स्किल्स। आप हाँ देखो हाँ हाँ बच्चे अभी इसमें 760 है, एंड देन इसमें रिक्वेस्ट आती रहती है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक टेक वाले बच्चे हो, फिर अ टेकी, या आप कोई भी एंट्री वाले बच्चे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना नाम लिखना है, हेलो शिवम सर, माय नेम इज सो एंड सो XYZ, आई एम डूइंग दिस, बीटेक कर रहे हो, ये वो, मेरी ये एंट्री है एंड आई वॉन्ट टू गेट इन साइड, यू नीड टू सेंड मी अ मैसेज, तब मैं आपको अप्रूव करके इन कर दूंगा। फायदा क्या है मैम, व्हाट आई डू, मैं हर दिन आधे घंटे इनको जीडी में पार्टिसिपेट करवाता हूँ, 6 to 6:30, वाओ एंड यही तो चाहिए यार, ये ग्रुप ही तो चाहिए। सो यस आई गिव आई देम, थिंक यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। या आई गिव देम ग्रुप डिस्कशन, रात को टॉपिक देता हूँ, अगले दिन इनका ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे मैं इंडिविजुअल फीडबैक देता हूँ, 50 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, मैं हर एक को इंडिविजुअल फीडबैक की, तेरी गड़बड़ी है, तेरी गड़बड़ी है, तू ऐसे गलत करता, तू ये गलत करता है, एंड पूरा दैट लिटरेचर इज सो नाइस। टाइप का जितना भी कंटेंट है मैंने फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वहां से बच्चे देख सकते हैं, पूरी SSB से रिलेटेड किताबें, टैट वेट SRT SD PPDT के पिक्चर्स, एक पूरा ड्राइव बना दिया है मैंने इनके लिए, वो भी इनको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाय द वे, और कोई और प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, मेरा नंबर सबको मिलता है नीचे, सो डू ज्वाइन। और मैम तो है ही, मैम के साथ आप बाद में मैम ना मेंटरशिप भी लेके आएंगे मैम के साथ, फिर मैम आपके Q&A सेशंस भी करेंगे बहुत जल्दी एज द टाइम अलाउज। तो मैम नहीं, आई थिंक शिवम यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। आई वांट टू इंटरप्ट यू हियर बिकॉज ऐसे अगर मेंटरशिप ना किसी बच्चे को मिल जाए ना एट द स्टेज वेयर दे हैव डिसाइडेड कि हाँ उन्हें कुछ करना है लाइफ में, दे वांट टू गेट इनटू फोर्सेस और मे बी एनीथिंग, ऐसा एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक मेंटर और एक इंस्पिरेशन। सो माय इंस्पिरेशन वाज कैप्टन सुनैना, जिनको मैंने पहली बार एनसीसी में देखा था, यूनिफॉर्म पहने, रेबैन पहने एंड शी वाज गेटिंग आउट ऑफ हर वैन। मैंने सोचा वाओ आई वांट टू बिकम लाइक हर। तो एक वो इंस्पिरेशन और ऐसे मेंटर मिल जाए तो लाइफ सॉर्टेड है, आई वुड से। एंड आई थिंक आजकल के जमाने में मेंटरशिप की कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि जिसको वो राइट मेंटरशिप ढूंढना आ जाए और वो सही ग्रुप मिल जाए, इट कैन गो टू अ लेवल ऑफ लाइक 100% अचीवमेंट यस मैम, एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू मैम। मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब मेरे सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे 2020 में, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करूंगा कि अगर मैं नहीं जा पाया कोई बात नहीं, इनको भेजता हूँ, तो अराउंड 50 ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑप्शस एंड नंबर इज स्टिल वाओ राइजिंग। टेकेंट्रीज में हमारा तो बहुत रिकमेंडेशन रहता है, और टेकेंट्रीज वाले बच्चे कहीं नहीं जाते, वो सब मेरे पास ही आते हैं, तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़ो, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आपके रिटन नहीं निकल रहे, मैंने CDS निकाला है, FCAT निकाला है, जो एग्जाम तुम सोच सकते हो, TA तक का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, NDA CDS FCAT TA, आप आओ, यू टेक माई हेल्प, पैसे भी नहीं है ना तो भी भाई, इतने फ्री रिसोर्सेज मैंने चैनल पर डाले हुए कि उनको देख के तुम पास हो जाओगे। एंड मैम की आगे की जर्नी हम Part 2 में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू पायल मैम, आगे की जर्नी में मैं थैंक आपसे यू शिवम। टारनी वाला एक्सपीरियंस हम जानेंगे मैम से। इस वीडियो को आप शेयर कर देना बच्चों, और कमेंट करके मुझे बताना कि सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, मैम की लाइफ से क्या आपको इंस्पिरेशन मिली, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी यूनिफॉर्म में बहुत जल्दी जाओगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू शिवम जैन। यू मैम।